मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम। ये सवाल वो करेगा, सबर कब तक करें? ये सवाल वो शख्स करेगा जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सबर के वाकयात नहीं है, वो ये सवाल करेगा। ये सबर कब तक करें? क्योंकि ये सवाल वो करेगा जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सब्र के वाकयात नहीं। सुनो, ये सब्र कब तक करें? सब्र जो है खुदाई के इस रास्ते में चलने के लिए ऐसा है, सब्र दाई के इस रास्ते में चलने के लिए ऐसा है जैसा गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है। क्या पेट्रोल गाड़ी को चलाती है, तो जहां पेट्रोल खत्म हो जाएगा वहां सफर खत्म हो जाएगा, गाड़ी भी चलेगी। जब जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उस गाड़ी को धक्का मार के चलाते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही ना, गाड़ी को धक्का मार, ये इसमें कोई मजा नहीं है आदमी धक्का मार के चलाया जाए। ये सब्र तो दाई के लिए ऐसा है जैसा गाड़ी के लिए ईंधन और पेट्रोल होता है, तो जहां जहां पेट्रोल खत्म हो जाएगा वहां सब्र खत्म हो जाएगा, और जहां सब्र खत्म हो जाएगा वहां सब्र खत्म हो जाएगा दावत का, जिसमें सब्र खत्म हो जाएगा वो काम छोड़ देगा। क्या हो जाएगा? तुम छोड़िए, वो काम छोड़ देगा, सब्र खत्म हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सबर की कोई हद नहीं बताई, इसलिए कि सबर की हद जन्नत है, सबर की हद जन्नत है। ये सबर की हद जन्नत है क्योंकि आदमी की मंजिल जन्नत है ना। मंजिल कहाँ है? जहन्नम। जन्नत मंजिल है ना, ना मशरक़ बंगाल मंजिल है ना मग़रिबी बंगाल मंजिल है, मंजिल कहाँ है? जन्नत है जी। हाँ, सबर के बाद में पूछना कम कम कब तक सबर करें? एक साल हो गया, दो साल हो गया, कब तक सबर? सबर क्योंकि मुद्दत नहीं है, क्योंकि मंजिल जन्नत है ना। आपको तेल कितना चाहिए? कितना तेल चाहिए कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं? आसान बात। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सो रहे थे, उसको हमको आपने उठाया, फरमाया अबू ज़र मस्जिद क्यों सो रहे? फरमाया मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो मस्जिद में रहता हूँ। फरमाया अबू ज़र तुम बताओ हमारे बाद जब हम चले जाएंगे दुनिया से तो दौर बदलेगा, तो तुम्हें मदीने के उमरा जिम्मेदार तुम्हें मदीने से निकालेंगे, तुम क्या करो? क्या जी, मैं सबर करूंगा और मदीने छोड़कर मुल्क शाम चले जाओ। आपने फरमाया कि फिर मुल्क शाम वाले तुम्हें निकालेंगे वहां से, फिर क्या करोगे? ये मैं सबर करूंगा, मुल्क शाम छोड़कर मदीने आ जाओ, यहाँ घर बनाकर यहाँ रहो। फरमाया कि मदीने वाले तुम्हें दोबारा निकालेंगे, मदीने वाले तुम्हें दोबारा निकालेंगे, क्या करोगे? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अर्ज किया कि फिर मैं जिम्मेदारों का मुकाबला करूंगा, जिम्मेदारों का मुकाबला करूंगा, जिम्मेदारों का। आप फरमाए नहीं अबू ज़र, सबर करते रहना, सबर करते रहना, यहाँ तक के तुम आकर कयामत में हमसे मिल लेना। हद बताइए, मैं जो फैसला रह गई तब तक सबर करें? तो जवाब ये है, जवाब ये सबर करते रहना, सबर करते रहना, दरगुजर करते रहना, बर्दाश्त करते रहना, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रास्तों से अज़ियत बर्दाश्त की, एक गैरों से एक अपनों से। इस्तक़बाल से पहले गैरों से अज़ियत, इस्तक़बाल आ गया तो अपनों से अज़ियत। आपकी वफात तक कोई दिन आपके लिए राहत का नहीं है। हम चाहते हैं कि ये तंगी खत्म हो, राहत के दिन आए, और आपके लिए मौत तक कोई राहत का दिन नहीं है। तौबा से लाज़ान
کہ ایک غم نہیں ختم ہوگا دوسرا غم، ایک غم ختم نہیں ہوگا دوسرا غم، ایک غم ختم نہیں ہوگا دوسرا غم، یہ تو واسطہ افغان کا مطلب ہے کہ اچھے دن کمائیں گے، اچھے دن کمائیں گے. منصف ہم آتے تھے کہ اس کام کے کرنے والے اچھے دن جانتے ہی نہیں ہیں، وہ آرام کے لیے قبر جانتے ہیں اور جاگنے کے لیے جنت.